नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जीएसटी का कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं अपने टैली के अंदर। दोस्तों, इसके लिए हमारे जो टैली का जो वर्जन चाहिए वो है टैली ERP 9। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारे को टैली जीएसटी के अंदर कैसे हम कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, हमारे को ये देखना होगा कि कैसे क्या हमारी जीएसटी एनेबल है टैली के अंदर। इसके लिए हमारे को F11 प्रेस करके यहाँ पे ये ऑप्शन लानी पड़ेगी और यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाए। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाके हमारे को हमारी सेकंड नंबर ऑप्शन है ये एनेबल्ड होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी अदर फीचर्स के अंदर मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल फॉर कंपनी एंड लेजर्स, ये हमारा ऑन होना चाहिए। और इसके अलावा कंपनी मेलिंग डिटेल्स भी ऑन होनी चाहिए, जहाँ पे दोस्तों हमारे को अपनी कंपनी की डिटेल्स भरनी होगी। ये सारी चीजें जो है ट्राई की मेल एक्सेप्टा वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे। इसके बाद हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे को अपने टैली का एक जो जीएसटी नंबर होता है हमारा, वो हमने यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके अंदर हम अपने सारे फीचर्स के अंदर यहाँ पे देखिए हमारे को टैली का अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। ये तब जो एप्लीकेबल हुआ है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे ना इंटीग्रेटेड टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स जो हमारा जीएसटी का रेट है वो कितना है वो यहाँ पे हमारे को देखना है। और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं अगर हमारा एक्सपोर्ट होता है तो। दोस्तों, ये सारी जीएसटी एनेबल करने के बाद देखते हैं कि जीएसटी जब आया तो हमारा वैट जो है वो बंद हो गया, तो हमारे को वैट को डिसेबल करना होगा, एक्साइज को भी डिसेबल करना होगा, ये सारी चीजें डिसेबल करनी होगी। यहाँ पे हम अपनी कॉर्पोरेट आईडी जो बोलते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे को सेल्स के लेजर कैसे क्रिएट करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेल टैक्स का लेजर कैसे क्रिएट किया, यहाँ पे लिखा सेंट्रल सेल्स @28%। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल में सेल करेंगे तो हमारा कौन सा कैसे टैक्स यहाँ पे इस सेल टैक्स का कैसे लेवल खुलेगा ये देखिए। यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए मेरे को जीएसटी की यहाँ पे भी एनेबल्ड करना होगा, यहाँ पे मेरे को अपनी जीएसटी डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पे देखिए मेरे को नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे देना होगा। तो अगर मेरा सेंट्रल सेल का है तो इस समय मेरा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा स्टेट टैक्सेबल। अगर मेरा लोकल का है तो मेरा होगा टैक्स सेल्स टैक्सेबल के अंदर जाएगा। और इसके अलावा अगर मेरा एक्सपोर्ट है एनयूटी के अंदर तो मेरे को ड्यूटी उसमें चला जाएगा। जो भी है जो तरफ ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे हमारे को सेलेक्ट करनी होगी, जैसे भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स जितना भी है वो यहाँ पे हमने दिखाया कि हमारे इस प्रोडक्ट पे 28% है, 18% है, 12% है, वो जितना भी है वो यहाँ पे हमारे को देना है। इसके बाद देखिए मेरे को यहाँ पे लोकल सेल का मैंने कैलकुलेटर बनाया है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा लोकल सेल बिल्कुल जैसे मैंने सेंट्रल सेल का बनाया था बिल्कुल इस तरीके से मैं यहाँ पे लोकल सेल का बनाऊंगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे मैंने मेरे को ट्रांजेक्शन सेल टैक्सेबल लिया और टैक्स इसके
बाद देखिए दोस्तों मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए अपने टैक्स के जो लग रहा है आउट CGST 14%। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने इसको क्या किया है, देखिए ध्यान से मैंने यहाँ पे यूनियन टैक्सीज के अंदर ही एक अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ग्रुप क्रिएट कर लिया ताकि मेरे सारे के सारे लेजर्स जो इस ग्रुप के अंदर आके शो हों। अब मैं यहाँ पे देखिए अगर मेरा आउटपुट CGST टैक्स है तो मेरा यहाँ पे जो टाइप ऑफ टैक्स है वो सेंट्रल टैक्स आएगा और जितना मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स है यह उसका 15% यहाँ पे शो होगा। दोस्तों हो सकता आप मेरे इस वीडियो को जब देख रहे हो उस वक्त 2 साल आज देख के बीच रहे हो, मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त बिल्कुल नया वीडियो GST एप्लीकेबल हुआ है। तो हो सकता है कभी क्योंकि हम GST के एक्ट में स्टेट को 2% अप एंड डाउन प्लस माइनस 2% अपना जो SGST चेंज करने का वो है तो उसको वेरी कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है स्टेट, उसको ये पावर है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे अभी GST आया हुआ है वह दोनों का सेम है, SGST और CGST दोनों सेम है इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए अगला है जी मेरा आउटपुट IGST या मेरा 28% होगा। उसके बाद ऐसे ही मेरा SGST और उसके बाद देखिए मेरे को कैसे जो पार्टी के लग रहा है वो किस हिसाब से बनाने हैं यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों मेरे सारे के सारे लेजर्स जो टैक्स के थे सेल के थे जो मैंने यहाँ पे आपसे बना के दिए, अब बचता है कि कैसे हम वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमारे को इसमें जाना पड़ेगा अकाउंट इन्फो के अंदर, यहाँ पे जाएंगे वाउचर टाइप में, वाउचर टाइप में जाके देखेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताई हुई है सेल GST सेल GST करके मैंने यहाँ पे अपने वाउचर टाइप बनाए और यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन सेट किया। और यहाँ पे इसको मैंने ओवरराइड कर दिया, कब से मेरी बुक स्टार्ट होगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसकी मैंने रिक्वेस्ट जो सीरीज चल रही है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल सकती है कि इसके मैंने रिक्वेस्ट पार्ट कैसा होगा। और यहाँ पर पूरे 0 मैंने इन्वेस्ट किया, 1 जुलाई से एप्लीकेबल कर दिया, स्टार्ट GS1 से कर दिया, ऐसे ही प्रीफिक्स करके यहाँ पे मेरे उसमें क्या मैंने प्रीफिक्स किया वो यहाँ सारी चीजें यहाँ पे मैं देख ही जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा जो नेम ऑफ क्लास मैं यहाँ पे कैसे दूंगा ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लास आई तो वहाँ पे मैं एक ग्रुप से ग्रुप इसको शामिल करने में कौन से ग्रुप शामिल करने के सारी चीज़ें यहाँ पे सेट की जाए। तो मेरे को यहाँ पे मेरे को वहाँ पे चाहिए क्या कि मेरे पार्टी वाले इसमें कौन कौन से पार्टी जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे, तो मेरे वहाँ पे डेटा से होने चाहिए। और हो सकता है अगर जो मैं अपने ब्रांच को दे रहा हूँ तो वहाँ पे ये आगे और इसके अलावा क्रेडिटर्स भी शो हो जाने चाहिए, मैंने वहाँ पे क्रेडिटर्स को भी शो करा दिया है। तो
और इसके अलावा यहाँ पे जो मेरा सेल का लेजर है वो मेरा कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो मेरे को यहाँ पे अगर जो मैं मान लो सेंट्रल सेल है सेंट्रल सेल के अंदर मेरा क्या होगा कि जो टैक्स जो बिजनेस उसके जो बिजली में आपको कोटेस या फिर बिल सेंट्रल्स है बिल सेंटर लिखा होता है जहाँ पे उन्होंने इसको एडिशनल अकाउंटिंग बोलते हैं होती है तो यहाँ पे जो हमारे टैक्स है कितने परसेंट टैक्स है ये सारे टैक्स के लेवल यहाँ पे आएंगे बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन यहाँ पे मेरे सेल के या परचेज के लेवल आते हैं ऊपर पार्टी के लेवल सेट किए जाते हैं तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आगे सेट करता हूँ और ये देखिए अगर इसको तो जीरो वाले एंट्री है तो ये इसको रिमूव करने के लिए बोल दिया इस तरीके से दोस्तों मेरी यहाँ पे देखिए सेल वाउचर्स की एंट्री हो गई थी अब मैं यहाँ पे आपको एक सेल का एंट्री करके दिखा ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना सेल्स का लेजर ये आइटम मैंने दे दिया और आइटम को भी सेट कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा ये देखिए यहाँ पे मैंने आइटम सेट किया इसमें फैमिली सेल्स को सेट किया ये देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे जीएसटी को कैसे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है और ये देखिए यहाँ पे टैक्स में सेल हो रही है तो मैंने वहां पे आईजीएसटी को सेट कर दिया और अब देखिए दोस्तों मेरी अगली एंट्री ये तो लोकल थी ऐसे ही यारी की वायरी में बाला जी के देश के बोलिए क्या मेरी सैंपल चेंटी हो गई इसको गलत दी गई है ये देखिए पिछले मेरी लोकल ट्रांजेक्शन की और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे कहना जो है यहाँ पे आई जी एस टी होना था तो दोस्तों यहाँ पे आइटम
आप टॉपिक में आ गए नहीं बना सकते हमने ये आइटम पहले वाले जो मेरी एंटिटी है गलत है तो अभी यहाँ पर रख तो दोस्तों ये था कि कैसे हम लोकल सेल के अंदर SGST और IGST का कंफिगरेशन कर सकते हैं।